छोटी हो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पतिव्रता औरत कभी पति की उम्र नहीं देखा करती। पहली बात में सती सावित्री का जिक्र किया कि वो कैसी सती हुई थी, के बताया कवि ने। एरा सावित्री पति सत्यवान सा आप ढूंढ के ल्याई, बरस दिन भीतर मर लेगा नारद ने कथा सुनाई। व्रत एकादशी का धारण करके वह ब्याह करके सुख पाई, वन में काटने गए लाकड़ी ते क्या काल दिखाई रे, वन में काटने गए सत्य के कारण धर्मराज के लाई
का नाम इस दुनिया में एक पापी के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसके घर में भी एक पतिव्रता हुई और वो कौन थी, किस प्रकार से कवि ने दूसरी कली के माध्यम से बताया और क्या लिख दिया भाई। रावण के बेटे की बोहड़िया, रावण के बेटे की बोहड़िया, नार सुलोचन प्यारी, पति की भुजा आके पड़ी महल में, वा रोई देख ले कारी, अर्थ जुड़ा के गई रामा दल में, सेना जुड़गी सारी, रामचंद्र ने वा आती देखी, रात जोड़ पुचकारी रे, रामचंद्र ने आती देखी, हाथ जोड़ पुचकारी, सुइया की के गिनती नयमयंती और मदनावत सुते, दमयंती और मदनावत के नाम सदा से सुनती, कौशल्या श्री रामचंद्र से कौशल्या सी पतिव्रता सुत रामचंद्र से जनती, विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती रे, विषय ने त्यागे भजन में लागे जब पतिव्रता बनती। एक पतिव्रता ऐसी भी हुई है जिसका पति ना बोलिया करता, ना चालिया करता, ना खाया करता, ना पिया करता, ऐसी पतिव्रता कौन हुई? जैसे मीरा बाई पार उतर गई, ओ सार जानती छोटी बड़ी उम्र है।
कहने लगा मुसी इशे कर्म मत कर, जो आज तन पति मिला है तेरी से बड़ी उम्र का, तू आज तो कम से कम ऐसे कर्म कर ले कि अगले जन्म में तुझे ऐसा पति मिले, ऐसा वर मिले जो तेरे लायक हो। क्योंकि क्या करें, एर लक्ष्मी चंदी एर लक्ष्मी चंदी जिसे कर्म करेगा, लक्ष्मी चंदी जिसे कर्म करेगा के वो गे बिना सरे से तेरे जिसे बई मन कोना बेड़ा पार करे से तू डूब गई बेमाता बन के, एरे डूब गई तू री माता बन के बेटे पे नित धरे से तने आगे मिलना वर जोड़ी का क्यों ऐसे कर्म करे से रे उम्र है छोटी।